दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का दिल किसे कहा जाता है? भारत का दिल दिल्ली को कहा जाता है। और जब आप दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में भी दिल्ली का एक दिल है, और उस दिल का नाम है कनॉट प्लेस, या शॉर्ट में इसको सीपी के नाम से जाना जाता है, या फिर कह लीजिए अभी गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज करके राजीव चौक रख दिया है। यानी कि जगह तो एक ही है, लेकिन उस जगह के कई सारे नाम हैं, सीपी, कनॉट प्लेस और राजीव चौक, ये सब के सब जो है एक ही है। तो चलिए इस वीडियो में हम सीपी के बारे में ही बात करेंगे, और बिल्कुल सीपी से ही बात करेंगे। मेरा नाम है एसके सिंह और आप देख रहे हैं एडू टॉक इंडिया। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सीपी में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सभी चीजों में एक खास है, और वो है सीपी का भी दिल। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं सेंट्रल पार्क, और ऊपर में आपको ये तिरंगा झंडा जो है वो काफी पॉपुलर है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये भरी दोपहर में करीब करीब मेरे ख्याल से 4 बज रहे हैं, और आज आपका है 4 अप्रैल। इस 4 अप्रैल में आपको जो पीछे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सेंट्रल पार्क। ये सीपी के बिल्कुल बीचों बीच में गोल है, और इसी के किनारे किनारे जो है राउंड सर्कल में आप पूरा सीपी मार्केट बसा हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन इस सेंट्रल पार्क की खासियत ये है कि अंदर में काफ़ी सारी भीड़ रहती है, आप देख भी सकते हैं। एक बार आप वहाँ दिखाएंगे, मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएंगे कि बहुत सारे सैलानी जो है दिन भर इस सेंट्रल पार्क में आते हैं। हालांकि अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है कहा जा रहा है, लेकिन शायद आप मेरे पीछे में या फिर आसपास में अगर देखेंगे, मैं आपको सीपी का और दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे इस वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, उस भीड़ को देख करके आपको नहीं लगेगा कि कोरोना का कोई खास असर है, क्योंकि एक साल पब्लिक ऑलरेडी झेल चुकी है, इसलिए अब पब्लिक और ज़्यादा झेलना नहीं चाहती। तो प्रिकॉशन लेते हुए काफ़ी ये जो सीपी का एरिया है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन के मामले में। हर समय हर जगह आपको पुलिस वाले नज़र आएंगे, सिविल वाले जो है सिविल जो जॉब वाले हैं वो आपको नज़र आएंगे, वो लोग लोगों को चेक करते रहते हैं। अगर आपने गलती से ये मास्क नहीं पहना है तो उसका फाइन भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, इसीलिए यहाँ पर आपको अगर दिल्ली के सारे रंग देखने हैं, बल्कि दिल्ली के या पूरे इंडिया के सारे रंग देखने हैं, तो यहाँ पर जगह जगह बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी हैं, छोटे छोटे दुकानें भी हैं, सड़कों पर लगने वाली दुकानें भी हैं, और साथ साथ में यहाँ पर सबसे पॉपुलर जो मार्केट है वो है पालिका बाजार। तो पालिका बाजार भी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि मेरे पीछे का सीन दिखा दें। ये देखिए ये पालिका बाजार वाला जो एरिया है, इसके नीचे अंडरग्राउंड में पूरा का पूरा पालिका बाजार है। जब अंदर जाएंगे तो बहुत ही सस्ते और वैरायटी वाले कपड़े आपको नजर आएंगे, और बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहां पर नजर आएंगे। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं इसी सीपी के एक साइड में, मेरे पीछे में मैं दिखाऊंगा, ये देखिए ये है मेट्रो, जिसको मैंने आपको कहा राजीव चौक। तो राजीव चौक जो है बेसिकली मेट्रो का नाम रखा गया है, और अभी मेट्रो चल तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेट्रो फुल फ्लेज्ड नहीं चल रही है, और उसका आप देख सकते हैं पीछे में जो भीड़ लगी हुई, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पब्लिक की लंबी लाइन लगी हुई है, और ये जो पब्लिक है इनको पूरी तरह से सैनिटाइज करके, आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरी तरह से सैनिटाइज करके बहुत रूल रेगुलेशन के साथ में, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इनको इस मेट्रो में एंट्री दिया जाता है। ये एक राजीव चौक का एक एंट्री गेट है। तो आपने देखा कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इस जगह पर आपको सीपी के कई सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। एक सीपी का एक पब्लिक प्लेस, नॉर्मल प्लेस, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। दूसरा आपको दिखाई दिया सेंट्रल पार्क, जहाँ आपको अंदर में आप काफ़ी भीड़ दिखाई देगी, शाम का समय हो रहा है तो पब्लिक। तीसरा ये सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, उसके बाद में आपको और मैं आगे दिखाऊँ तो यहाँ पर आपका पालिका बाजार का एरिया, यहाँ पर आप लोग आते हैं, रिलैक्स करते हैं, और सबसे खास बात है यही वो जगह है जहाँ पर सारे रिपोर्टर्स, जैसे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो वैसे ही, खैर मैं तो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो रिपोर्टर्स आते हैं, जो ओपिनियन पोल्स वगैरह होते हैं, जो लोगों से राय मशवरा लेते हैं, वो इसी जगह पर लेते हैं। ये आपका पूरा का पूरा एरिया हो गया, बहुत ऐतिहासिक प्लेस है, लेकिन भारत का सबसे मॉडर्न जगह भी है। यहाँ हर ब्रांड मिल जाएगा, हर चीज़ मिल सकती है, हर तरह के लोग मिलेंगे। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि दिल्ली का दिल है, ये बिल्कुल ही दिल्ली का दिल है। जो भी दिल्ली आता है वो सीपी ज़रूर आता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में मैंने आपको बहुत शॉर्ट में सीपी के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीपी के बारे में जो भी जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी, और
आपको एडिट ऑफ इंडिया में जितने भी जो वीडियोस होते हैं वो भी आपको पसंद आते होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।